कल रात लगभग 11:30 बजे चेन्नई के एन्नोर जिले में उल्कापात हुआ, यानी कि आसमान से गर्म पत्थर गिरे। इस घटना में लगभग 14 लोगों की मौत हो गई और साथ ही 36 से ज्यादा लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंतरिक्ष विज्ञान की एक टीम घटना की जांच पड़ताल कर रही है और कुछ सैंपल्स रिसर्च सेंटर लेकर गई है, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि आसमान से ये गर्म पत्थर क्यों और कैसे गिरा। जब तक जांच पूरी ना हो जाए, टीम ने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया है। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जो बात मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, वो यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, चेन्नई में उल्कापात हुआ, जिन्हें एस्ट्रॉइड भी कहते हैं। हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से अगले 7 दिनों में फिर से एस्ट्रॉइड गिरने की उम्मीद है। चेन्नई से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल में गिर सकता है। हाल ही में जो उल्कापात हुआ था, उसका साइज तो बहुत ही छोटा था, लेकिन अगला उल्कापात 60 स्क्वायर किलोमीटर का हो सकता है, चेन्नई शहर से भी कहीं बड़ा। अगर इसने बे ऑफ बंगाल को हिट किया तो तमिलनाडु, आंध्रा, श्रीलंका, इन सबको जबरदस्त सुनामी का सामना करना पड़ेगा। पिछली सुनामी में तो भारत का कुछ ही हिस्सा तबाह हुआ था, लेकिन इस बार अगर इस घटना की वजह से सुनामी आई तो भारत के दक्षिणी हिस्से को जल प्रलय से कोई नहीं बचा सकता, जिनमें शामिल हो सकता केरल, यहाँ तक कि भारतीय टापू अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी। तो हम लोग तो तकलीफ में आ जाएंगे। सिर्फ सुनामी ही नहीं, बल्कि इसके साथ पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो जाएगा। यह एस्टेरॉयड भारत के नक्शे को बदल के रख देगा। तो ऐसे बदलते हालात में हम लोग दूसरे स्टेट में शिफ्ट नहीं हो सकते? इतनी बड़ी आबादी को शिफ्ट करने के लिए अगर हमें रोड, रेलवे, एयरलाइंस, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ा तो महीनों लगेंगे, और इस मिशन को पूरा करने के लिए फ्यूल जमा करने में तो हफ्तों लग जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर ये खबर आम जनता तक पहुंच गई, तो जरा सोचिए भगदड़ से न जाने कितने लोगों की जान जाएगी। शिफ्ट नहीं किया तो कितना नुकसान होगा? ये जानकर आपको बहुत दुख होगा कि तकरीबन 4 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो क्या हम हाथ पर हाथ धर के मौत का तांडव देखें? इंडियन आर्मी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। बैठ जाइए आप लोग, प्लीज बैठ जाइए। हमारी मातृभूमि पे हम एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एस्टेरॉयड का सरफेस मैप है। एस्टेरॉयड के पिछले हिस्से में एक बड़ा होल है, और ये होल एस्टेरॉयड के लगभग सेंटर तक गहरा है। सेंटर ही इसका वीकेस्ट पॉइंट है। अगर हमने उस होल में न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया तो वो 2 हिस्सों में बट जाएगा और धरती से अलग दिशा में चला जाएगा। यह है सेफ्टी लाइन। इससे पहले कि एस्टेरॉयड सेफ्टी लाइन से आगे बढ़े, हमें इसे ब्लास्ट करना होगा, ताकि यह धरती के ग्रेविटी जोन में आ ही ना सके। अगर एस्टेरॉयड ने सेफ्टी लाइन को पार कर लिया तो उसे ब्लास्ट करने का कोई फायदा नहीं है, धरती उसका शिकार हो ही जाएगी। सेफ्टी लाइन क्रॉस करने में हमारे पास अभी 6 दिन है। मीडिया की नजर में आए बिना क्या यह मुमकिन है कि हम एक रॉकेट लॉन्च करके ब्लास्ट कर सकें? मुमकिन है चीफ। सैटेलाइट मेंटेनेंस प्रोग्राम के नाम पर हम लोग रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। रॉकेट लॉन्च करना, ये न्यूज आजकल कॉमन हो गई है। चीफ, ब्लास्ट वाली बात से मैं सहमत हूं, लेकिन एक परेशानी है। इतना बड़ा और पावरफुल मिसाइल भारत के पास नहीं है, ना ही किसी और देश के पास। सभी देशों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन में पीस ट्रीटी साइन की थी, जिसके मुताबिक कोई भी देश 20 किलो टन से ज्यादा न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ऐसे एस्टेरॉयड को ब्लास्ट करने के लिए कम से कम 200 किलो टन की जरूरत है। चीफ, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कुछ बात कहनी है, अगर परमिशन हो। बेझिझक कहिए कैप्टन। चीफ, कुछ ऐसे भी देश है जिन्होंने छुप के ब्लैक मार्केट में न्यूक्लियर वेपन्स खरीदे, तो क्या हम ऐसी परिस्थिति में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आतंकवादियों की तरह हमें भी न्यूक्लियर छिपकर खरीदना पड़ेगा? सोचने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। दिस मीटिंग इज एडजर्न्ड। इस आइडेंटिफिकेशन नंबर को ट्रेस करो। अगर मेरे आइडेंटिफिकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की तो मैं कॉल कट करके अपना काम बंद करके गायब हो जाऊंगा। मैंने भी तुम्हें काम के लिए ही फोन किया है। अच्छा, बोलो क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज,
200 किलोटन न्यूक्लियर मिसाइल। तुम्हें पता है तुम क्या मांग रहे हो? और क्या तुम्हें पता है कि तुम इस समय किससे बात कर रहे हो? 200 किलोटन न्यूक्लियर मिसाइल एक देश को खत्म करने के लिए काफी है, किसी ब्लैक मार्केट में नहीं मिलेगा। तो फिर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, फौरन कॉल कट करो और साथ ही साथ हमारे सारे कनेक्शंस भी कट करो। रुको, मेरी बात सुनो। एक ही जगह है जहां वो मिसाइल मिल सकता है। उन्होंने एक 200 किलोटन का न्यूक्लियर मिसाइल खुफिया तौर पर छुपा कर रखा है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही है, इसकी क्या गारंटी है? उस मिसाइल की सारी डिटेल्स मैं आपको भेजता हूँ, उसे देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे। क्या हम लोग इंडियन एम्बेसी से मदद नहीं मांग सकते? नहीं, ये ट्रीटी के खिलाफ होगा। वो लोग इससे कभी सहमत नहीं होंगे और फिर बाकी देश उनकी इस हरकत की वजह से कोई बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। अगर उन्होंने हमारी मदद से इनकार कर दिया तो क्या उपाय है चीफ? सिर्फ एक ही उपाय है। अब मैं आप लोगों से एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो रिकॉर्ड्स में नहीं है। यह एक सीक्रेट मिशन है और इसकी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर सबको भेजी जाएगी। इसलिए हमें मिसाइल चुराना होगा। चीफ, किसी और देश की मिसाइल चुराने से वॉर की संभावना हो सकती है। नहीं, उनका ये मिसाइल रखना इलीगल है। वो तो मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकते हैं। हाँ, लेकिन मिसाइल चुराना कोई बच्चों का खेल भी नहीं है, क्योंकि वो मिसाइल उनके देश में नहीं है। उसे ऐसी जगह रखा गया है जहां से वो दुनिया में कहीं भी वार कर सके। वो स्पेस में है। ये स्पेस में रिसर्च सेंटर के तौर पर पार्क किया गया है, लेकिन असल में ये एक मिलिट्री बेस है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर भविष्य में उनके देश पर किसी भी तरह की आंच आई तो गैर कानूनी तरीके से अपने देश की सुरक्षा के लिए इस मिसाइल को वो किसी भी कंट्री पे टारगेट कर सकते हैं। और ये इतना ताकतवर है कि न सिर्फ वो कंट्री बल्कि आसपास की कंट्रीज का बच पाना भी मुश्किल होगा। इस मिसाइल का अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो धरती से मानव जाति भी खत्म हो सकती है। भविष्य में वॉर्स स्पेस से ही लड़ी जाएंगी, उन लोगों ने यह कदम उठाया है। और स्पेस में भी एक सिक्योर्ड वॉल्ट के अंदर रखा गया है यह मिसाइल। उनके अलार्म सिस्टम से बच के अंदर जाना लगभग नामुमकिन है, और अगर किसी तरह अंदर चले भी गए तो वहां हमें एक बड़ी फौज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे वॉल्ट को तोड़कर उसके अंदर जाना, हमारी टीम को ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली है चीफ। इसके लिए हम सिर्फ अपनी टीम पर निर्भर नहीं रह सकते। इस मुश्किल काम के लिए हमें एक एक्सपर्ट की खास जरूरत पड़ेगी। सो माय फ्रेंड्स, उसमें दाखिल होने के लिए हमें एक शातिर चोर को हायर करना होगा। इतने गंभीर मिशन को पूरा करने के लिए हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, और वो भी किसी चोर पे। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। 4 करोड़ जिंदगियों को बचाने के मिशन में एक चोर को हायर करना क्या कोई गुनाह है? क्या मेरा यह फैसला आपको गलत लगता है? आपके दिए हुए ऑर्डर्स को हम बिना किसी सवाल के मानेंगे चीफ। वेटिंग फॉर योर कमांड्स चीफ। हम आपके साथ हैं चीफ। तो ठीक है, अब जितनी जल्दी हो सके हमें दुनिया का सबसे स्मार्ट चोर ढूंढना है। यह एस्टेरॉयड 60 स्क्वायर किलोमीटर का है। अगर यह धरती पर गिर जाए तो ना जाने कितने शहर तबाह हो जाएंगे, और उस जगह पर इतनी बर्बादी होगी कि वो जमीन अगले 100 सालों तक बंजर हो जाएगी। यह एस्टेरॉयड न्यूक्लियर से भी ज्यादा खतरनाक है। डिफेंस टीम इसे रोकने में पूरी तरह से लगी हुई है, और इस मिशन को हमने लोगों से छुपा कर रखा हुआ है ताकि लोगों में अफरा तफरी न मचे। एस्टेरॉयड को पूरी तरह तबाह करने के बाद ही उन्हें यह बताया जाए कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हैं। छोटे मोटे एस्टेरॉयड्स तो धरती की तरफ आते ही रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा एस्टेरॉयड हजारों सालों में एक बार आता है,
आजकल लोग फेमस होने के लिए छोटी छोटी बातों पे झगड़ों पर उतर आते हैं। अगर मुझे 5 दिन का वक्त मिल जाए ना, तो मैं एक एक करके इन सब मवालियों का एनकाउंटर कर दूं। स्वाति, कुछ मवालियों का एनकाउंटर करने से तुम पूरे देश को नहीं सुधार सकती। वासु नाम है, बहुत खतरनाक आदमी है, इसलिए हमने ऐसे खतरनाक आदमी को अलग सेल में रखा हुआ है। देखते हैं कितना दम है। क्या वो वाकई इतना खतरनाक है? हाँ सर, बहुत शातिर आदमी है। एक बार तो उसने हद कर दी, अचानक वो जेल से गायब हो गया। ताला लगा हुआ था, सलाखें भी ठीक थी, फिर भी वो भाग निकला। लेकिन आप लोगों को वासु से क्या काम पड़ गया? उससे सर्कस में काम करवाना है। ये तो हमारी इंसल्ट कर रहा है। ये वन साइड मिरर है, वासु हमें देख नहीं सकता। वासुदेव, इस आदमी से डील करने के लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये जादूगर है और भागने में माहिर है। ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसे ये तोड़ ना सके, ना ही वो सलाखें जो इसे कैद रख सके। कुछ समय पहले ये मैजिक शो होस्ट किया करता था, लेकिन बाद में अपने इस हुनर का इस्तेमाल करके इसने शहर के काले धन वाले लोगों को लूटना शुरू किया। आप सब जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले नाइट क्लब शूटआउट में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके लिए मिनिस्टर का बेटा जिम्मेदार था। उसे बचाने के लिए मिनिस्टर के वॉचमैन के बेटे को फंसा दिया गया और हादसे में इस्तेमाल किए गए हथियार को पुलिस एविडेंस रूम में ही रखा गया था। पता है इन लोगों ने क्या किया था? सुबह तक बिल्कुल ठीक था, पता नहीं अचानक ये खराब कैसे हो गया। साहेब, हाँ। ये बनना तो मेरे जन्म से पहले ही बंद हो गया था। हाँ। रिश्वत में इतना कमाते हो, नया वाला मंगवा लो ना। चिकन मीट भाई, हमने हैक कर लिया है। Ain't gotta get a clue, high tech clue. He makes up, he breaks up all the rules. All the day he been thinking, magic brain no working. God is on me working there, trying to find it. Don't you dare, don't you dare, don't you dare. He's never been a loser. Yeah, you bet. So, so, so. पुलिस स्टेशन से पाटलिपुत्र, रजिस्टर में नाम और सिग्नेचर कर दीजिए। जी, राजेश कन्नन। जाइए सर। और पुलिस स्टेशन के आदमी को तुमने अंदर कैसे जाने दिया? वो भी पुलिस वाला है सर। तुमने सिस्टम में वेरीफाई किया? हाँ किया सर। कहाँ है वो अंदर, क्या किया? सर, यहाँ से किसी को बाहर जाने मत देना। ओके सर, गेट बंद कर दो, किसी को बाहर जाने मत दो। सर चलो चलो सर, चलो हम लोग। Ain't gotta get a clue, high tech clue. He makes up, he breaks up all the rules. All the day he been thinking, magic brain you're working. God is on me working there, trying to find him. Don't you dare, don't you dare, don't you dare.
किसी को जाने मत देना। तलाशी लो इसकी। इसकी पॉकेट चेक करो। अच्छी तरह तलाशी लो। सब जगह ढूंढ लिया सर, लेकिन गन नहीं मिली। गन मिलने के बाद ही इसे जाने देना। ओके सर। सर, गन कोर्ट में पेश कर दी गई है। तूने ये घटिया ट्रिक पुलिस वाले को दिखा के गलती कर दी। नीचे जो फाइल्स पड़ी है ना, ये फाइल्स एक भागे हुए टेररिस्ट की हैं। वो तो मेरे हाथ नहीं लगा, लेकिन तू नहीं बच पाएगा। उसके केस में तुझे फिट कर दूंगा। कितना लंबा जाएगा ये? कम से कम 10 साल। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, लेकिन अब खुद तुम अपने बेटे से दूर हो जाओगे, तुम्हें जेल हो जाएगी। एक बेगुनाह मेरी आंखों के सामने सजा काटे मैं नहीं देख सकता। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। पापा। रोते नहीं है बेटा। अगर इसकी कोई कमजोरी है तो वो है इसका बेटा रवि। इसके बेटे का इस्तेमाल करके हम इससे कुछ भी करा सकते हैं। तुम डालो। अब देखते हैं कॉइन कहाँ है। ये देखो इतने सारे कॉइन्स कैसे आए। वो देखो चांद दिख रहा है ना। अब बेटा तुम चांद से फुटबॉल खेलो। खेलो। ओ। वासु का बेटा आया है, आप उससे मिलना चाहेंगे? नहीं नहीं, बच्चे को वासु से मिलने दो। ओके सर। तेरा बेटा तुझसे मिलने के लिए आया है, अंदर भेज रहा हूं उसे। यहां पे? लेकिन हम तो हमेशा विजिटिंग एरिया में मिलते हैं। मिलना है तो यही मिल, वरना वापस भेज देता हूँ। वापस मत भेजना, मैं यही मिल लेता हूँ। बस आप ये हथकड़ी खोल दीजिए, बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। जब तू क्राइम कर रहा था तब तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया, अब इज्जत का ढोल पीट रहा है, तुझे यही मिलना पड़ेगा।
हे, मुझे हथकड़ी पहना दी, उल्टा चोर पुलिस को डांटे। चीफ को इसकी कलाकारी देखने दो। मेरी भी इज्जत है। अरे इज्जत का फल उदय मत कर, शाम के खाने में बिरयानी खिलाऊंगा, छोड़ दे भाई, छोड़ देना। पता है ना, विजिटिंग आवर्स में कैदी को हथकड़ी नहीं पहनाते। तेरी, अगर मेरी जगह तू होता तो क्या करता? अरे भाई, बिना हथकड़ी के मिल लो उसे, कहे तो चाबी दे देता हूँ, ये ले। क्या ख्याल है इसके बारे में? मुझे तो किसी काम का नहीं लग रहा है। इसे खुद पे बड़ा गुरूर है चीफ। पापा। रवि। पापा। फ्रीज। क्या हुआ? अपनी पॉकेट चेक करो। अरे वो चॉकलेट। यहाँ पंखा भी नहीं है, आपको कैसा लगता होगा? पापा को ठंड लगती है, रात में यहाँ एसी चलता है। आबरा का डाबरा। ये पुलिस वाले तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। तो फिर उनसे कहिए ना आपको घर आने दें। बेटा, उन्हें केक खिलाने के बाद। पापा, अपने पॉकेट में हाथ डालिए। हे बेटा, मेरा असर हो रहा तुझ पर? हाँ पापा। पापा, मिलने का टाइम खत्म हो गया, चल बेटा आजा। पापा, बाकी बातें मन में कर लेना। अंकल थोड़ी देर। चल अंकल प्लीज। चल पापा। रवि आजा। पापा, डर मत बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? बेटे को लेकर पागल है सर। ये कानून तोड़ने में कभी पीछे नहीं हटता होगा, लेकिन इंसान अच्छा है, इसे सेलेक्ट करते हैं। हा? इसके पेपर्स तैयार करवाओ, सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद इसे हेडक्वार्टर्स लेकर आओ। इंडियन आर्मी की स्पेशल पावर से ये तुम्हें रिलीज करने के लिए ऑर्डर्स हैं। तुम्हारे खिलाफ सारे रिकॉर्ड्स क्लियर कर दिए गए हैं। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। ओके सर। इन रिलीज ऑर्डर्स के मुताबिक इंडियन आर्मी तुमसे जो चाहे वो करवा सकती है। हाई सिक्योरिटी वॉल्ट से तुम्हें एक चीज चुरानी होगी। अपने बेटे का प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ मेरी टीम हो तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। थर्ड अंपायर डिसीजन है। साफ दिख रहा है यार, आउट नहीं है। हम लोग करते हैं ना। थर्ड अंपायर के लिए वेट कर रहा था, उसको मालूम नहीं उसके बाप यहाँ पे फोर्थ अंपायर बैठे ले। अबे ओए चिल्को से ट्राई करो कर रहा है बेड़ा। अबे भागो, आर्मी पकड़ने आ रही है। हाँ? आर्मी? अबे आर्मी को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? आर्मी ये, 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 क्या योगा कर रहे हैं बे? अरे अरे सर सर, मैंने कुछ नहीं किया, वो आउट ही था, ये चीटिंग है सर। कितने तेरा पार्टनर? सलाम साहब। चल बारा। साहब, लोग हल्का होने के लिए डब्बा लेकर जाते हैं, पर मैं डब्बे में ही हल्का हो जाता हूं। मोबाइल। अबे सुन, पुलिस थर्ड डिग्री देती है, कहीं ये फौजी लोग हमें 90 डिग्री ना दे दें। ए, सच बोल रहे हैं? हम्म।
अरे वासु, अबे तू भी यहाँ? पुलिस ने तुझे छोड़ दिया और आर्मी ने पकड़ लिया? अरे तुम लोगों को मैंने ही यहाँ बुलवाया है। तू रे? और इस एहसान की वजह क्या? कोई मेडल दिलवाने वाला है क्या? अरे कुछ ऐसा ही समझ ले यार, एक कीमती चीज चोरी करने के लिए मुझे जेल से छोड़ा गया है। क्या चोरी? दिखने में तो जगह ट्यूशन क्लासेस लग रही है और आईना मेकअप रूम का लगाया। बहुत दिन हो गए यार, नाक के बालों को नहीं सिलाया। अच्छा, आर्म्ड फोर्स के स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958 के तहत तुझे छुड़ाया गया है, मतलब आर्मी को हमारी बहुत जरूरत है। ये टैबलेट लेके अंदर कैसे गया? पता नहीं करना, हमने तो बहुत अच्छे से तलाशी ली थी। देख काम भी कुछ हो, प्रॉफिट के दो ही हिस्से होंगे। आर्मी वुमन ने जब मुझे जेल से बाहर निकालने की बात की तो हिस्से का ख्याल ही नहीं आया। आर्मी वुमन कवारी थी या तलाकशुदा? जब मिलेगी ना तो खुद ही पूछ लेना। चीफ, ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। मिलिट्री से पैसा लेना बहुत बुरी बात है, मुझे मेरा शेयर नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन हाँ उनकी रम एक नंबर रहती है। ऐसी बातें कर रहा है, ढक्कन सूंघे तो चढ़ जाती है इसको। अबे रम के ड्रम में डुबाऊंगा। ये नमूने देश को बचा पाएंगे? सॉरी चीफ, पर मुझे लगता है हमें किसी और की तलाश करनी होगी। इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले एक मौका तो दो इन्हें, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना। इनकी कठिन परीक्षा लेनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पूरा मिशन ही खराब हो जाए। क्या आईने में लगा हुआ है? ज्यादा गौर से मत देख, आईना टूट जाएगा। हमें इनकी परीक्षा लेनी थी, उल्टा यहाँ हमारी क्लास ली जा रही है। जो भी हो, इन चोरों के सामने हार नहीं मानेंगे। ये वॉल्ट दुनिया के सबसे मजबूत टाइटेनियम से बना हुआ है और आपका काम है इसे खोलना। इस काम के लिए आप इन रखी हुई चीजों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यह काम आपको 2 मिनट में करना होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भारी है? हाँ। कान में धुआं चला गया। इस पर तो असर ही नहीं हुआ। कितना पोल्यूशन कर रहे हैं लोग। We have to blast it. Let's do it. सिर्फ 1 मिनट बचा है आपके पास। इन एक्सप्लोसिव स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, ऐसे बम तो अपन दशहरे में रावण को उड़ाने के लिए लगाते थे। डिस्टर्ब मत कर। ब्लास्ट। नहीं खुला। Your time is up, gentlemen. तुम्हारे लिए भी वही रूल्स हैं जो इनके लिए थे, जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। Your time starts now. कर देना यार, इतना तंग मत कर। Mission upgraded to the next level power. Extraordinary superpower. He's got this 7 cents making some regional criminal plans. Gonna make a quick move or he might flick it in the ring. Yeah, that's true. Technology brings a change. Yeah, let's not time to use it. We've got a super brain, just don't think now to fuse it. दरअसल हमें वो पावरफुल एक्सप्लोसिव यूज करना शायद हमें वो लेना चाहिए था। अगर हम उसका इस्तेमाल करते तो शायद Well, अब तो समझ गए ना कि हमें इनकी जरूरत क्यों है। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की तैयारी करो। यस सर। ये भाई, ढोक लगाएगी क्या? वेलकम टू द टीम बॉयज। हमारे सौर मंडल का विज्ञान ऐसा है कि इसमें अगर जीवन है तो जीवन को पूरी तरह खत्म करने की ताकत भी है। एक एस्टेरॉयड धरती की ग्रेविटी में तेजी से बढ़ता जा रहा है,
जिसका निशाना भारत के दक्षिणी हिस्से है। अगर ऐसा हुआ तो आधा भारत पानी में डूब जाएगा और बाकी शायद मानव जीवन के लायक नहीं रहेगा। अगर इसे समय पर रोका नहीं गया तो हम अपने परिवार को और इस शहर को अपनी आंखों से खाक होते हुए देखेंगे। भाई ये तो हॉलीवुड पिक्चर का सीन निकल रहा है, पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा, अपन लोग का क्या होगा यार? अबे होगा क्या, एक ही बार में सातों जन्म मिट जाएंगे। आठवें जन्म में नई पोटी मिलेंगी ना। भाई तू क्या ऐसे शांत बैठा है, देख के तेरे हलक में नहीं आया क्या? अरे चुपचाप बैठना। ए, ये लोग तो तुझसे कुछ चोरी करवाने की बात कर रहे थे ना, पर क्या चोरी करवाएंगे? पता नहीं यार क्या करवाएंगे। स्पेस में ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है और ना ही हवा होती है, और इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, कुछ सुन नहीं सकते। अगर गलती से भी स्पेसशिप बिना ये सूट पहने छोड़ा तो आपके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। हाँ? और अगर ये ग्लव्स या हेलमेट नहीं पहना या फिर इनपे एक छोटी सी भी खरोंच आई तो आपकी स्पॉट डेथ हो जाएगी। कैरी ऑन विद योर ट्रेनिंग। यस सर। ये चारकोल में बना है कि इंपोर्टेड है? इस मिशन में जो भी टेक्नोलॉजी है इंडिया की है। देसी माल पहन के स्पेस में नहीं जाऊंगा। और नहीं तो क्या, जो नील आर्मस्ट्रांग पहना था ना वही पहनेंगे, ये नहीं। लोगों की जान खतरे में है, तुम में देशभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है? देशभक्ति? आप में से कौन कौन इंडियन फोन इस्तेमाल करता है? मेकअप भी इंपोर्टेड। सस्ता फोन खरीदेंगे तो वैल्यू डाउन नहीं हो जाएगी? हाँ, वैसे भी हमारी आत्मा इंपोर्टेड है। अगर ढंग का कोई सवाल पूछना है तो पूछो, वरना जा सकते हो। मेरे को एक डाउट है, ये ड्रेस ऊपर से नीचे एकदम पेटी पैक है, जिप भी नहीं है, सुसु है तो क्या? मैंने ये पूछा। अबे मेरा नाम क्यों लगा रहा है? जवानी में बचपना। स्पेस में जा रहे हो, गली के नुक्कड़ पे नहीं, पहन लो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। स्पेस में तुम्हें धरती की ग्रेविटी नहीं मिलेगी कि आराम से कूद फांद सको। वहां बिना ग्रेविटी के शरीर को काबू में कैसे रखें और सारे काम भी कैसे करें, उसके लिए ये प्रोटोटाइप है जिसमें स्पेस जैसा माहौल आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। इस तरह जीरो ग्रेविटी में सांसों को कंट्रोल करना जरूरी होता है। अगर सांसें जोर से ली तो शरीर के अंदर से सब कुछ बाहर आ जाएगा। देख रही है, सब कुछ क्या थोड़ा सा भी बाहर नहीं आया? अरे मेरी इज्जत का तो ख्याल रख। Now it's your turn. ए, मेरा वेट पंखा संभाल लेगा ना? अबे जय बजरंगबली। पकड़ पकड़ पकड़। अपन उड़ रहा है। अबे मोटे, तो डर नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं नहीं। आप लोग डरो मत। तेरे को बोला था ज़्यादा मत का। नहीं 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 नहीं, रोक 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 रोक। ऐसा लग रहा है जैसे पिज़्ज़ा बर्गर को किसी ने रम में डुबो कर खाया हो। ए, बस बस कर। अरे क्या कर, अब हल्का लग रहा है, खाया पिया सब नुकसान हो गया। उल्टी मारते हुए उल्टी पहली बार की है। ये जो आप देख रहे हैं उस मिसाइल का एग्जैक्ट डिजाइन है जो आपको चुराना है। क्रू में शामिल हर एक को पता होना चाहिए कि मिसाइल को लोड कैसे किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर लोकेशन कोऑर्डिनेट 89.8067 डिग्रीज नॉर्थ और 221.5285 डिग्रीज ईस्ट है तो मिसाइल को ऐसे लोड करना होगा कि ये ठीक उसी लोकेशन पे जाए। याद रहे, आपको लोकेशन कोऑर्डिनेट्स बहुत ही ध्यान से फीड करने होंगे। स्पेस में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बदले एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों एक्सिस के इस्तेमाल से आप स्पेस में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी है वो बहुत जरूरी है, आप प्लीज इन सबको नोट कर लीजिए। तुम दोनों तो अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त वासु, वासु एक कप कॉफी पियो और अपने दोस्तों की तरह ध्यान से सुनो। Hmm?
सॉरी सर, स्वाति बच गई। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरे काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं। कल तक लड़की खत्म हो जानी चाहिए, वरना तुम्हें खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ए, स्वाति गुस्से में बंदूक लिए इधर ही आ रही है। स्वाति इतनी रात्रि? अरे सच्ची रे, मैंने हमने कुछ नहीं किया। ए, रुको। कौन सी गंदी खाई इसने? हे, यहां पर तो आना अलाउड नहीं। तो यहां गन लोड हो रही है। चलो। मिसफायर हुआ क्या? चल अपन भी कुछ करते हैं। यहां से किसी ने गोली चलाई थी। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई अंदर कैसे आ गया? बाहर वाले का काम नहीं है। तुम जैसा क्रिमिनल हमारे मिशन के साथ जुड़ा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। हमारे मिशन के बीच में कोई आएगा तो बहुत बुरा होगा। ये है उस स्पेस स्टेशन की ब्लूप्रिंट जिसको स्टडी करके हम आगे बढ़ेंगे। मिसाइल इस वॉल्ट में है। तो यहाँ जाना है हमें। पहले सिंगल फंस ली हूँ और कम हो जाऊंगा, बस करो। स्टॉप इट। नहीं, भाभी नहीं, गिर जाएगा। रे? इसका मतलब ओके है, नॉट ओके, डूइंग वेल। अब तुम लोग करो। Make it a move, no one is, ain't gotta get a clue. Hides a clue, he makes up, he breaks up all the rules. All the day he been thinking, magic bring your work. Yeah, holy Chalo bahar aa jao. Tum log ready ho? Haan. Chalo ho gaya. Ye kya ho raha hai? Ye gol gol rani kitna kitna pani. Are, aise koi ghumata hai kya? Are, uncle thoda slow karo. मजा आया। सही है। मेरा तो पैर भी टच नहीं हो रहा है नीचे। सर मेरे से नहीं होगा, मम्मी का फोन आया। करोगा? होगा। अरे उतरो भाई। ए बोले। अरे चल चल सर, नीचे उतर। कल ध्रुवा को लॉन्च करने का प्लान है, लेकिन किसी भी हालत में ध्रुवा धरती के क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो इस मिशन में कामयाब हुए तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए छुप जा। वे मुरली दिल पे मार दिया। अरे नहीं नहीं, अरे ए मेरे बम में नहीं है दम।
अब नहीं छोड़ूंगा। क्या यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन। तुम लोगों की ट्रेनिंग पूरी हुई है और मुझे विश्वास है कि तुम लोग इस मिशन में कामयाब हो गए। इसरो में ट्रेन किए गए एस्ट्रोनॉट आज श्री हरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर से ध्रुववन स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। सैटेलाइट मेंटेनेंस प्रोग्राम के लिए ये स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। दिन ब दिन सफलता की ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। हमें खुशी है ये खबर आप तक पहुंचाते हुए कि आज एक और मिसाइल उड़ान भरने के लिए तैयार है, जो कि भारत के लिए निहायती गर्व की बात है। इंडियन स्पेसशिप ध्रुववन उड़ान भरने के लिए तैयार है। आज तक प्लेन में नहीं बैठा, ये लोग ने सीधा रॉकेट में बिठा दिया। इंजन ए चेक। इंजन ए चेक, ओके। इंजन ए इग्निशन सक्सेसफुल। वासु, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इंजन बी चेक। इंजन बी चेक, ओके। कौन हो तुम और तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो? तुम्हारा बेटा रवि इस वक्त मेरी कैद में है। रवि, रवि। कोई फायदा नहीं, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं सुन सकता। लिक्विड हाइड्रोजन चेक। लिक्विड हाइड्रोजन चेक, ओके। तुम्हारा बेटा तुमसे बात करना चाहता है। आप कहाँ हैं पापा? मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा लगा? ए, कौन है तू और तू चाहता क्या है? All okay from my side. Mission ready for launch. तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, वो मिसाइल मुझे लाके देना होगा। ध्रुववन is ready for the countdown. मिसाइल तुझे दे दी तो 4 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी। Countdown begins. 10, 9. तुम्हें दुनिया के सामने हीरो बनना है या फिर अपने मासूम बेटे की जान बचानी है? 8. 4 करोड़ जिंदगियां या फिर एक जान? 6, 5. मैं इसमें ज्यादा नहीं सोच सकता। 4. मैं अपने बेटे की जान बचाऊंगा। 3, 2. मैं मिसाइल तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। गुड गुड वासु। 1.
टेक ऑफ। Stage 1 separation initiated. Stage 1 separation successful, Chief. Stage 2 separation initiated. Separation successful, Chief. ध्रुवावान आउटर स्पेस में दाखिल हो चुका है। कॉपी दैट कैप्टन। एस्टेरॉयड के सेफ्टी लाइन क्रॉस करने में अभी भी 10 घंटे बाकी हैं। ध्रुवावान अंतरिक्ष में अपने टारगेट स्पेस स्टेशन पे 2 घंटे में पहुंच जाएगा। वेल, तब तक आप सब खूबसूरत नजारों का मजा लीजिए। सूट मोल्टी मत करना, अंदर ले ले। अच्छा, क्या कैप्टन, हमें सबकी जरूरत की चीजें जैसे खाना और कपड़े वगैरह दे देना चाहिए। ये है वासु की किट। केबिन यूनिफॉर्म चेंज कर लो, हम उनके स्पेस स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। अब करोड़ों जाने तुम्हारे हाथ में है वासु। मैं अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। ये अप्पू की किट है। अप्पू, ये चमगादड़ की तरह उल्टे क्यों लटके हो? तो क्या करूं, ये प्लेन उल्टा सीधा कब होता है पता ही नहीं चलता। ये लो यूनिफॉर्म पहन लो। स्कूल के बाद अभी मिली यूनिफॉर्म। ओह नो, ये एस्ट्रॉइड धरती की तरफ तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसे वक्त पर रोका नहीं गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
दुनिया से दूर होने के बाद डर का एहसास ही नहीं हो रहा। लेकिन एक बेटे का प्यार बाप को डरा के रख देता है। प्रकृति से छिड़ी इस जंग को जीतने के लिए हमारे पास करीब 4 घंटों का वक्त बचा है। अरे ये क्या, इतने में तो मेरी फिट ही नहीं हो पाएंगी, डायपर पहनना पड़ेगा। खैर डाउनलोड नहीं तो अपलोड ही कर लेता हूं। उड़ी बाबा, मेरी दारू तो उड़ रही है। ये खुशबू तो दारू खावे, चकना भी उड़ा दे थोड़ा सा। ये चकने की जरूरत नहीं। स्पेस में भी चैन नहीं। अब यहाँ पे अच्छा भाई, दारू गिरती है तो नीचे नहीं जाती है, दारू भी ऊपर और हम भी ऊपर। अब सब सीधा दिख रहा है। स्वाति, वासु बेहोश हो गया। वासु, वासु। ग्रेविटी ना होने की वजह से चक्कर आ सकता है, क्योंकि दिमाग में ज्यादा खून दौड़ने लगता है। इसे जल्दी से सिकबे में ले चलो। ये ग्लूकोज का बैक ऐसे दबाते रहो। दिमाग में खून का बहाव बढ़ने की वजह से तुम बेहोश हो गए थे। अभी तुम आराम करो, इसका ध्यान रखना। हेडफोन ऑफ कर। अरे वासु क्या कर रहा है यार, कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? हेलो, गुड मॉर्निंग, घूमने जा रहे क्या? वो सुलेमान के बटियार खाने से चिकन अफगानी लेके आना। आखिर तू कर क्या रहा है? रेड और ब्लू वायर को काट रहा हूँ। वायर कट कर रहा है? कट करते ही शिप का लिक्विड हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्या, और फिर? लिक्विड हाइड्रोजन मतलब शिप का पेट्रोल। मैं पूरा टैंक खाली करने वाला हूँ। अबे पागल हो गया क्या, सबके सब मारे जाएंगे? तू जाके सीट पे बैठ जा। ये क्या पागलपन सवार हो गया तेरे सर पे? मैंने बोला ना जा। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, जवाब दे, क्यों कर रहा है ऐसा? रवि किडनैप हो गया। किसने किया किडनैप? मुझे नहीं पता, मगर वो कोई मामूली आदमी नहीं है। अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो रवि को मार देगा। वासु, तुम बेहोश होने का नाटक करना ताकि वो तुम्हें लोअर डेक के सिक पे मिले जाए। वहां जाने के बाद बिना किसी सवाल के जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। स्वाति, फ्यूल लेवल अचानक कम हो गया है। हाँ? ओह नो रघु, फ्यूल टैंक लीक हो रहा है। व्हाट?
कॉपी कंट्रोल काम क्यों नहीं कर रहा है? चीफ, शिप का फ्यूल लेवल कम हो रहा है। व्हाट? दैट्स नॉट पॉसिबल। चेक द सिस्टम। चीफ, ये शिप अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। जस्ट ग्रैब ऑन योर सीट बेल्ट एंड सिट टाइट। ऐसा लग रहा है कोई ताकत हमें अपनी ओर खींच रही है। Oh my God! Oh no! भाई उल्टी पलटी हो रहा है। स्वाति, अपनी सीट पर वापस आ जाओ। Can you hear me? Dhruva One, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Captain? Can you hear me? Please respond. Dhruva One. Please respond. Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Please respond. Captain, are you okay? Hello, can you hear me? Captain, आप ठीक हैं? Dhruva One, I repeat, can you hear me? Please respond. Chief. Thank God. हम लोग ठीक हैं. Sorry, sorry, Chief. ये सब अचानक कैसे हुआ हम नहीं जानते. It's okay, Captain. Thank you. Sorry बोलने का अभी वक्त नहीं है. गलती को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा करने से पहले एक बार फिर सोच ले। तेरी वजह से करोड़ों लोगों की जानें जा सकती हैं। इस जंग में चार टीम हैं और हर एक टीम का अपना एक उद्देश्य है। आर्मी को मिसाइल चुरा के एस्ट्रॉइड को तबाह करना है और जिसकी मिसाइल है वो उसे खोना नहीं चाहता, और जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है उसे देश से नहीं मिसाइल से प्यार है। और बचे हम लोग, जीत हमारी होगी। चीफ, दिस इज ध्रुवा वन। हम चांद की सतह से रिपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूल लीक कैसे हुआ ये जानने के लिए हम लोग बाहर आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक समय में मुझे आज चांद पर कदम रखते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है सर। एज द फर्स्ट इंडियन टू स्टेप ऑन द मून। चांद पे कदम रखने वाले पहले भारतीय कैप्टन डी रघुराम। नहीं नहीं, एम वासु।
कदम किसी का भी हो, देश के लिए तो फक्र की बात है ना। उसने मुझे धक्का दिया कैप्टन। चांद पे जिसने पहला कदम रखा सब लोग उसी को याद रखते हैं, दूसरे तीसरे नंबर पर कौन आया उसे कोई याद नहीं रखता है। चीफ, फ्यूल की वायर कटी हुई है। ये कैसे हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास जितना फ्यूल है उससे इंजन बस एक घंटा चलेगा। अगले 6 घंटे के अंदर फ्यूल आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तब तक तो एस्टेरॉयड सेफ्टी लाइन के बहुत करीब पहुंच जाएगा, हमारे पास उतना वक्त नहीं है। उसने मुझसे फ्यूल टैंक खाली करवाने के लिए वायर क्यों कटवाया? यहाँ हम लोग चांद पर इंतजार कर रहे हैं। अगर एस्ट्रॉइड ने सेफ्टी लाइन क्रॉस कर लिया तो फिर मिसाइल चुराने का कोई फायदा नहीं होगा। यार वो सब तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन इंतजार करने के अलावा चारा क्या है? अगर आसपास कोई पेट्रोल पंप होता तो धक्का मार के ले जाते। चीफ, ध्रुवा 2 फ्यूल के साथ उड़ान के लिए तैयार है। फिर से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या बात है वासु? क्या हम लोग फ्यूल स्पेस स्टेशन से नहीं मांग सकते? Are you mad? क्या चोरी करनी है, वहाँ मदद मांगने जा रहे? No, कैप्टन, इससे काम बन सकता है। उनके लिए तो हम बस सैटेलाइट मेंटेनेंस के लिए आए हुए इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं। मैं ध्रुवा 1 इंडियन स्पेसक्राफ्ट से बोल रही हूँ। हम यहाँ पर सैटेलाइट मेंटेनेंस के लिए आए हैं और हमारा फ्यूल खत्म हो गया है, हमें आपसे फ्यूल की मदद चाहिए। मैं अपनी लोकेशन भेज रही हूँ, मैसेज तो मैंने भेज दिया है, बस इंतजार करना होगा। ठीक है। ऊपर वाले मदद करना। अयला, इसके भी ऊपर कोई रहता रहेगा क्या? मैं स्पेस और रिसर्च सेंटर से बात कर रहा हूँ, हम आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको हमारी लोकेशन कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ। क्या आपके पास हम तक पहुँचने के लिए फ्यूल है? यस सर। हमें आपकी मदद करके खुशी होगी, आप आ सकते हैं। उनके स्पेस स्टेशन में घुसने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। लिक्विड हाइड्रोजन डेंजरसली लो। इंजन ए चेक। इंजन बी चेक। Drua 1 taking off, chief. टारगेट स्पेस स्टेशन तक तकरीबन 45 मिनट में पहुंच जाएगा। एक छोटे से शहर में रहने वाला मामूली सा चोर फ्यूल की वायर कैसे काट सकता है? ये बात तो पक्की है कि इस काम को अंजाम देने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में से कोई ना कोई इससे मिला हुआ है। आखिर वो है कौन? सर, आप कहें तो छानबीन के लिए मैं डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दूं? अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, बस तुम उन तीनों पे अपनी कड़ी नजर रखना। ओके सर। याकूब भाई,
अगले दो दिनों के अंदर मिसाइल आपको मिल जाएगा। खरीदार उस मिसाइल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर वो मिसाइल गलत हाथों में चला गया तो बहुत तबाही मचेगी। इसे कौन खरीदता है और क्या करता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों लोगों की जान के बदले ये मिसाइल मिल रहा है। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। जो भी इसकी ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाए उसके साथ डील फिक्स कर दो। ठीक है। रिक्वेस्टिंग टू डॉक। ध्रुवा वन, आप हमारे स्पेस स्टेशन से डॉक कर सकते हैं। Successful. वेलकम टू द इंटरनेशनल स्पेस एंड रिसर्च सेंटर। मैं हूं कैप्टन लीवे, चीफ इंचार्ज, और मुझे इंडिया की मदद करके बेहद खुशी हो रही है। थैंक यू कैप्टन लीवे। हमारे स्टेशन में आर्टिफिशियल ग्रेविटी है और आप कदम रखने वाले हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पेस रिसर्च सेंटर में। गिरफ्तार कर लो ने। चीफ, हम जानते हैं कि एक एस्ट्रॉइड भारत की तरफ बढ़ रहा है जिससे उसका बहुत बड़ा हिस्सा तहस नहस हो सकता है, और सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हारे देश को बचा सकती है, वो है हमारे स्टेशन का मिसाइल। लेकिन वो मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि यही तबाही तो हम लोग चाहते हैं। अगर भारत में तबाही फैली उसके बाद भारत हमारे देश के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से तैयार करने के लिए। अगर तुम में से किसी ने भी हमारी मिसाइल को ले जाने की कोशिश की तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। Got it? हम इन इंडियंस को छोड़ देंगे तब जब ये एस्ट्रॉइड सेफ्टी लाइन से आगे बढ़ जाएगा। तब तक के लिए बंद कर दो इन्हें। हाँ।
लगता है इसे बात समझ में नहीं आई। ऑलराइट। क्या तुम कुछ और आदमी भेज सकते हो? Yes, sir. Right away. यहां से बच के जाना मुमकिन नहीं है। सबको बंद कर दो। तुम्हें क्या लगा तुम गली के गुंडों की तरह लड़के यहाँ से निकल सकते हो? इसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, दिमाग की जरूरत होती है। अलार्म सिस्टम को चेक करो कि वो काम कर रहा है या नहीं। यस चीफ। मुझे इसी वक्त ध्रुवा वन की सारी डिटेल्स चाहिए। यस सर। हिलना मत। जाओ। ए, अंतरिक्ष में धक्के मार रहा है ना, धरती पे मिल तब बताता हूँ। सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया, तू तो जानता है स्पेस में टाइम का पता ही नहीं चलता है। काम हुआ कि नहीं? हाँ, सिस्टम में हैकिंग चिप चिपका दी है। तुम लोगों को पता भी नहीं चला ना कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, कम से कम मुझे तो बताओ। कैप्टन सिर्फ नाम के हो, कुछ काम तो करते ही नहीं। ये देखो। अब सेट है वासु। गुड। इस वॉल्ट को खोलने के लिए कैप्टन ली की फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैन की जरूरत पड़ेगी। उसके बावजूद अगर मिसाइल आधे सेंटीमीटर भी हिला तो अलार्म बजने लगेगा और अलार्म सिस्टम को बाईपास करने का कोई चांस नहीं। बस यही एक दिक्कत है। ध्यान रहे, जब तक वो लोग हमारे शिप पर हैं, कोई नहीं सोएगा। सब अलर्ट रहेंगे। यस चीफ। जाओ। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों जाकर सर्वर रूम चेक करो। यस चीफ। और तुम लोअर डेक चेक करो। ओके सर। हाँ?
तुम इंडियंस आखिर चाहते क्या हो? एक एस्ट्रोनॉट जो फाइट करके हीरो बनना चाह रहा है, और एक अजीब सा आदमी है जो एक छोटे से बॉक्स में छुप जाता है। चीफ, मिसाइल अपनी जगह पर नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल। मिसाइल कहां पर है? मुझे नहीं पता, पता कर लेना। मिसाइल कहां पर है? तुमने खुद हमें इस कमरे में बंद किया था ना, मैं क्या जादूगर हूं जो मिसाइल चुरा लूंगा? अगर तुमने नहीं बताया कि मिसाइल कहां पर है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, मार दे। वासु, वासु। वासु, अगर ये हमें जान से भी मार दे तब भी इन्हें मत बताना। बताओ मुझे, बताओ कहां पर है? इंडियन शिप में। इंडियन शिप में? जानते हो अगर किसी ने मिसाइल एक इंच भी हिलाने की कोशिश की तो अलार्म बजने लगता है। तुमने मिसाइल चुराई कैसे? ये मुमकिन ही नहीं है। स्वाति, हम इसे मिसाइल वापस कर देंगे। इससे कहो कि सबको छोड़ दे। मिसाइल कहां है? मैं लेकर आती हूं, तुम इन्हें छोड़ दो। नहीं, तुम जाओ, वो लड़की और बाकी सब यहीं रहेंगे। जरा भी चालाकी की तो सब मरेंगे।
आदमी क्या कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसको मौके दो जल्दी। उसे कहो ये नंबर नोट करे। 89.8067 डिग्रीज नॉर्थ और 221.5285 डिग्रीज ईस्ट। वासु 89.8067 डिग्रीज नॉर्थ और 221.5285 डिग्रीज ईस्ट। उसने हमारा ही मिसाइल हमारे देश पर टारगेट कर दिया है। अगर तुमने एक कदम भी इंडियन शिप की ओर बढ़ाया तो तुम अपने देश वापस नहीं जा पाओगे। सारे सोल्जर्स को वापस बुलाओ। मिसाइल के निशाने पर अब हमारा देश है। इससे हमारा पूरा देश और जनता खत्म हो सकती है। तुम लोगों को भी डर लग रहा है? हाँ, लेकिन हमसे ज्यादा इनकी लगी पड़ी है। लगता है डर से भी आगे निकलना पड़ेगा। ध्यान से, अगर हाथ छूटा ना तो जहाँ पर तू है वहाँ से भगवान ज्यादा दूर नहीं है। ए, डर रहा है कि डरा रहा है? मिसाइल चुराई कैसे? ये मुमकिन ही नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम गली के गुंडों की तरह लड़के यहां से निकल सकते हो? इसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, दिमाग की जरूरत होती है। हाउ इज दिस possible? He's on a mission, you can never hold him back. मिसाइल के निशाने पर अब हमारा देश है। सारे सोल्जर्स को वापस बुलाओ।
स्वाति मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले कि उन्हें हमारे ट्रिक का पता चले, शिप में वापस चली जाओ। ये क्या हो रहा है? हैं? उसने वॉल्ट तोड़ दिया चीफ। देखता हूं कब तक भागता है तुम उसे। चलो 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 जल्दी। Don't move! चलो जल्दी दरवाजा बंद करो। नहीं 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 पकड़ो सबको, जाने मत दो। Undocking through a one. कैप्टन, हमें वासु के लिए रुकना होगा। We do not have any time. हमारे पास जितना फ्यूल है उसमें इंजन सिर्फ 15 मिनट चल सकता है। Come on, वासु, come on, come on, come on. जल्दी आ। ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया है। ओह नो। ए वासु। Yes, yes, yes. Oh, thank God. Running engine A. Running engine B. चीफ, हम हेडक्वार्टर को क्या जवाब देंगे? एक रिपोर्ट तैयार करो कि स्पेस के एक बड़े एक्सीडेंट में हमने मिसाइल को खो दिया है और वो वापस नहीं आ सकती। रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल बनाओ और हेडक्वार्टर्स भेज दो।
पल्स रेट बहुत धीमी चल रही है। इंजेक्शन बॉक्स में रखा है, लेकर आओ जल्दी। वासु, ए वासु, वासु उठ गया। वासु गुड मॉर्निंग। तुम अब ठीक हो? चीफ, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। चीफ ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। वासु, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना किया हुआ वादा निभाओ। लेकिन यहाँ तुम्हें मिसाइल कैसे दे सकता हूँ? फ्यूल के बहाने। हमने ध्रुवा 2 को स्पेस में इसीलिए तो भेजा है। और मेरा बेटा? जैसे ही तुम मिसाइल को ध्रुवा 2 में लोड कर दोगे, वैसे ही तुम्हारे बेटे को उसके दादाजी के पास सही सलामत पहुँचा दिया जाएगा। ध्रुवा 2 हमें नजर आ रहा है। ध्रुवा 2 डॉक के लिए तैयार है। से फ्यूल ले सकते हैं। हमने फ्यूल भर लिया है। अनडॉकिंग फ्रॉम ध्रुवा 2। ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन ध्रुवा 1। थैंक यू ध्रुवा 2। अगले 10 मिनट में तुम्हारे बेटे को आर्मी गेस्ट हाउस पहुंचा दिया जाएगा। क्या तुम जानते हो कि इस मिशन के लिए मैंने तुम्हें ही क्यों चुना वासु? क्योंकि तुम्हें अपने बेटे से बेइंतहा प्यार है। मुझे पैसों से, और इस प्यार के लिए 4 करोड़ लोगों की जान। बड़ी मामूली बात है, सही कह रहा हूं ना मैं? एस्ट्रॉइड का होल हमें दिखाई दे रहा है। प्रतीक। चीफ। रितिका की जगह अब तुम बैठोगे। ओके चीफ। सेफ्टी लाइन क्रॉस होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। मिसाइल को लोड कर दो स्वाति। यस कैप्टन।
कैप्टन, मिसाइल गायब हो गया है। व्हाट? सेफ्टी लाइन क्रॉस करने में सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम कैप्टन? मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार नहीं है क्या? चीफ, मिसाइल कहीं गायब हो गई है। ये क्या बकवास है कैप्टन? हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो। इट्स ऑल क्लियर। कैप्टन, इसका जिम्मेदार वासु है। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ? तस्वीरें भेज रहा हूं, ध्यान से देखो। फ्यूल वायर इसने काटा था। इस वासु ने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। जिस इंसान की जिंदगी झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी हो, ऐसे गद्दार पर भरोसा कैसे करें? वो गद्दार तो गद्दार ही सही, लेकिन मिसाइल शिप से बाहर कैसे जा सकती है? मैंने खुद मिसाइल को लोड किया था। रघु प्लीज काम जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। सेफ्टी लाइन क्रॉस होने में बस 1 मिनट है। मंजिल के इतने करीब आकर हार गए। कुछ नहीं हो सकता चीफ, सेफ्टी लाइन क्रॉस हो चुकी है। हम लोगों को नहीं बचा पाए। चीफ, हम में से कुछ लोगों के परिवार वहीं रहते हैं जहां उल्कापात होने वाला है। हम उन्हें इस बारे में बता तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम उनसे फोन पर बात तो कर सकते हैं। ऑपरेशन सक्सेस। वासु, तुम्हारे बेटे को छोड़ दिया गया है। चीफ, ग्राउंड स्टाफ, इस देरी के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मिसाइल लॉक हो गया है और हमले के लिए तैयार है। क्या कह रही हो तुम? एस्ट्रॉइड के सेफ्टी लाइन क्रॉस होने में अभी भी 2 मिनट बाकी है चीफ। जैसे उसने खुद को सबसे छिपाया, हमें भी अपने प्लान को छुपा कर रखना होगा। We are talking to Dhruva too. अब वक्त आ गया है कि तुम पिता होने का फर्ज निभाओ। ये जो आप देख रहे हैं उस मिसाइल का एग्जैक्ट डिजाइन है जो आपको चुराना है। स्पेस में असली नकली का फर्क उसके वजन से बिल्कुल नहीं पहचाना जा सकता। मिसाइल लोड करो स्वाति। यस कैप्टन। देरी के लिए माफी चाहते हैं चीफ, मिसाइल हमले के लिए तैयार है। Okay.
एस्टेरॉयड ब्लास्ट सक्सेसफुल। सारा प्लान चौपट कर दिया इन लोगों ने। Thank God। जहाँ से उनकी सोच खत्म होती है अपनी शुरू होती है। Congratulations to you all team। Thank well you, done। Congratulations Vasu। Sir। Venkat। Appu। Chief, we are hit। Dhruva One की left wing damage हो चुकी है। Landing capsule ready to detach from Dhruva 1. हम ध्रुवा 1 से अलग हो रहे हैं। Welcome home. Thank you, Chief. Good job. Thank you. Pocket.
Congrats. Thank you, Chief. Congrats. Congratulations. हमारी टीम की तरफ से आपके लिए भी एक मेडल है। जरा अपना पॉकेट चेक कीजिए। जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। चीफ,